हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग डेली विद आद्या। आप लोगों का इंतज़ार हो रहा है खत्म, क्योंकि आद्या लेकर आ गई है इंद्रलोक मार्केट का पार्ट 1। पार्ट 2 कल नहीं आएगा, लेकिन बहुत जल्दी वो भी अपलोड मैं कर दूंगी, क्योंकि बाकी सब आज जो भी लोग मुझे मार्केट में मिले थे, आप सबका नेम मैं पार्ट 2 में शाउट आउट करूंगी। ओके, वो बहुत तसल्ली से करना पड़ता है, क्योंकि मेरी एक भी सब्सक्राइबर का नाम इधर से उधर हो गया तो कुछ नहीं, मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। नेम शाउट आउट करना बहुत मेहनत वाला काम है, क्योंकि काफ़ी बड़ी लिस्ट मेरी बन जाती है, इसलिए पार्ट 2 में वो सब नेम मैं शाउट आउट करूँगी। आज के ब्लॉग में आप बहुत सारा ब्यूटीफुल कलेक्शन देखने जा रहे हो, और वो सब लोग जो धीरे धीरे शादी पार्टी फंक्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं और आइडिया लेना चाह रहे हैं कि कहाँ से अच्छी बजट शॉपिंग करें, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है इंद्रलोक थर्सडे मार्केट में। ये एक ऐसी मार्केट है जो आपको सिर से लेकर पैर तक कम्प्लीटली सजा देगी, और इस मार्केट में आप आना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ थर्सडे के दिन ही आना है, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इंद्रलोक का ही होगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी लोकेशन जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, सबसे ऊपर इंद्रलोक मार्केट का एक लोकेशन मैप मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। बाकी आपकी हेल्प के लिए मैं आगे भी वीडियो में जगह जगह लोकेशन समझाती रहती हूँ, साथ में शॉपकीपर्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, तो जैसी भी रिक्वायरमेंट है आप उन लोगों से बात कर सकते हो। सो अब बिना किसी देर के आज का इंद्रलोक पार्ट 1 शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो हमेशा की तरह आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सबसे पहले आमिर भैया का लेटेस्ट सूट्स का कलेक्शन, कुर्ती प्लाजो का कलेक्शन, और इनकी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन और है, वो मैं आज आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्टिंग में आपने जितना भी देखा वो सिर्फ आज के लिए प्राइस था। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये वही सूट्स हैं जो कि हैंगर में आपको लगे हुए मिलेंगे। इसमें आपको स्मॉल, मीडियम और XL तक के साइज़ ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, XXL या प्लस साइजेस इसमें आपको कम ही मिलेंगे। तो ये वाला जो रैक मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें एक फ़िक्स्ड प्राइस सेल है, इसमें भैया कोई भी बारगेनिंग या नेगोशिएट नहीं करते। आपको इसी रैक में रियॉन फैब्रिक मिलेगा, प्योर कॉटन मिलेगा, जैम कॉटन की कुर्ती मिलेंगी, खादी कॉटन की मिलेंगी, कई कुर्तीज़ हैं जो कि दुपट्टे के साथ में मिलती हैं, और कुछ होंगी जो कि कट स्लीव में होंगी, विदाउट दुपट्टा होंगी। और ये देखिए, इसे आप क्या कहेंगे, बहुत ही डिज़ाइनर है। इसकी स्लीव्स पर भी खासकर बहुत प्यारा लेस लगा हुआ है, फुल स्लीव्स आएंगी और फ्रंट में इसे कट दिया हुआ है, साथ में वाइट कलर के प्लाजोज हैं। तो इस तरीके का डिज़ाइनर भी पीस आपको बाय लक मिल सकता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये बेबी पिंक कलर की है, बहुत ही प्यारी इसमें एम्ब्रॉयडरी है सूट पर और साथ ही साथ इसके प्लाजो पर। तो इस प्राइस रेंज में आपको इस तरीके का सेट मिल जाएगा। दुपट्टा सभी में नहीं आता है। नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ ये डिफरेंट रेंज है। सो ये आपने देखा, ये कुर्ती है और साथ में इसके जैकेट आएगा। अगर कुर्ती पूरी फ्लोर लेंथ तक की होगी तो उसके साथ में प्लाजो या पैंट नहीं आता है, वो फिर सिंगल कुर्ती में काउंट होगा दुपट्टे के साथ। सो ये प्राइस रेंज जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी प्राइस रेंज में नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि फ्लोरल प्रिंट में है, प्योर कॉटन में, और बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके जो ट्राउज़र्स है वो भी बहुत ही सुंदर हैं, फुल स्लीव्स का आएगा ये भी। तो साइज़ की जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आप हेल्दी हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई इशू नहीं है। रियॉन में, कॉटन में ये सभी ब्यूटीफुल आपको सेट्स मिल जाएंगे। इस कुर्ती का आप ट्राउज़र्स देखिएगा कितना खूबसूरत है, फ्लोरल प्रिंट में, ये प्लाजो है इसके साथ में। तो इस तरीके का कलेक्शन आप ले सकते हो, और जब आप शॉप में एंटर करोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही सिंगल पीस की कुछ कुर्ती, श्रग वाली, जैकेट वाली इस तरीके की लगी हुई मिलेंगी, तो ये भी एक फ़िक्स प्राइस में आपको मिल जाएगा। और आमिर भैया ने कहा है कि इनके पास अब आप होलसेल में भी ख़रीदारी कर सकते हो। जी हाँ, ये जो रेट मैंने आपको बताया ये रिटेल के थे, तो जब आप होलसेल में लोगे तो इसमें डेफिनेटली बार्गेनिंग भैया कर देंगे, होलसेल के प्राइस अलग होंगे। कार्ड मैंने आपको दिखा दिया है, तो इसे कहते हैं कलाकार स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब है सड़क या गली, तो कलाकार वाली एक गली है जहाँ पर कलाकार का बैनर लगा मिलता है। इसी गली में आपको ये मैट वाले भैया मिल जाएंगे। अब इनके पास हमेशा अलग अलग आता है, तो इस बार इनके पास जो मैट्स आए हुए थे वो मीडियम साइज़ के थे, नॉट सो बिग नॉट सो स्मॉल, लेकिन आप जो भी लेना चेक करके लेना। ये सब भैया लाए हुए थे। इन्हीं के सामने यहाँ पर एक बेडशीट की शॉप लगती है, कलाकार वाली गली में सिर्फ एक ही बेडशीट की शॉप लगती है, और इनका जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुपीरियर है। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये विद पिलो कवर आपको मिलेगी,
और इसके सामने जो आप देख रहे हो इसके ये सारे कलर्स भैया ने रखे हुए हैं जो कि बाद में ये लोग डिस्प्ले करते हैं। तो आपको जो भी पसंद है आप इसमें से ले सकते हो। प्राइजेस मैंने हर चीज़ के डिस्प्ले किए हुए हैं, ये सब कलर प्रिंट इसके आपको मिलेंगे। कलाकार स्ट्रीट पर ही एक साड़ीज़ की शॉप है जो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ, तो वही प्राइस है, इस बार भी सेल प्राइस है। मुझे लगता है अब तो ये सब प्राइजेज़ आपको भी याद हो गए होंगे मेरे ब्लॉग्स देख के। तो आज ना स्पेशली भैया के पास में कॉटन की बहुत अच्छी साड़ीज़ आई हुई थी। कभी इनके पास सिल्क होता है तो बहुत ही सारा सिल्क होता है, आज स्पेशली कॉटन की बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ भैया लाए हुए थे। इनका नंबर आगे मैं शेयर करूँगी, अगर आपको बल्क में लेनी हो तो आप नेक्स्ट टाइम आने से पहले कॉल करके कंफर्म कर लेना कि कॉटन साड़ीज़ वो ला रहे हैं या नहीं, ताकि आपको शॉपिंग करने में आसानी हो। और जो भी साड़ी आपने लेनी है अच्छे से चेक करके, ओपन करवा के, ब्लाउज़ उसका पल्ला सब कुछ चेक करके लेना है। ये जो साड़ी की शॉप मैं आपको दिखाती हूँ ना, इन्हीं के बाकी हाफ पार्ट में यहाँ पर सूट्स की बहुत अच्छी शॉप लगती है, तो आज भीड़ कम थी इसलिए मैंने सोचा आपके लिए कवर किया जाए। ये सभी जो सूट्स मैं आपको दिखा रही हूँ प्योर कॉटन के हैं और बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर हैं। आगे मैंने कहीं मार्केट में इस तरीके के नहीं देखे, प्रिंट डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं इनके। तो कलाकार स्ट्रीट पर ही साड़ियों की शॉप के बिल्कुल साथ में ही ये भी शॉप लगती है, एक ही दुकान के अंदर, काफ़ी बड़ा एक हॉल टाइप का है, तो उसी के बाकी पार्ट में ये सब सूट्स आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी लेना है ओपन करके चेक करके लेना, क्योंकि मैंने कई बार देखा है सुबह सुबह यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी होती है 7:30 बजे भी, जो लोग होलसेल के लिए लेने आए हुए होते हैं इकट्ठे दिल्ली NCR के एरिया से। तो इसलिए आज भीड़ कम थी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कवर करूं। तो लग रहे हैं ना कुछ अलग हटके लग रहे हैं सूट्स इनके, आप देखना परचेज़ करना या जिन्होंने ख़रीदा हुआ है मुझे फीडबैक ज़रूर शेयर करना। तो इनके पास एक 450 रुपये वाली भी रेंज होती है, वो भैया के पीछे रखे हुए थे सारे, अब नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊँगी वो सब। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ब्यूटीफुल गाउन्स वाली शॉप जो कि लगती है कलाकार स्ट्रीट पर ही। प्राइस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने दोनों ही क्रॉप टॉप्स का, और भैया बहुत जल्दी जल्दी अपडेट करते रहते हैं, ये अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइजेस आर सुपर्ब, आप यहाँ पे प्राइजेस का देख सकते हो, लिटरली अनबिलीवेबल है यार, इतना सस्ता तो मतलब ग्रीन मार्केट में भी नहीं मिलता मुझे हैरानी हो रही थी। तो अब ये बस ये डिपेंड करता है कि स्टॉक में है तो मिल जाएगा, और नहीं है तो फिर आप दोबारा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आपको लेना हो तो अगले वीक जो मिले ले लेना इस प्राइस रेंज तक का, क्योंकि नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मुश्किल ही है रिपीट हो। तो ये जितने भी क्रॉप टॉप गाउन्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसी प्राइस रेंज में है, तो जैसे ही लेटेस्ट भैया लगा देंगे यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो फिर वो प्राइस रिवाइज हो जाएंगे। फ़िलहाल तो आज के लिए ये सारे प्राइजेस थे, और इतने हैवी गाउन्स इतने कम प्राइस में कहीं नहीं मिलते यार, कहीं नहीं मिलते। सामने जो आप देख रहे हो ये हैवी कैनकेन वाले हैं जिनका फ्लेयर काफ़ी अच्छा मिलेगा, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये भी ज़्यादा नहीं है मार्केट प्राइस से, तो मैं फिर भी कहूँगी 50% ऑफ में ही है। तो ये सब ब्यूटीफुल क्रॉप टॉप्स और गाउन आप भैया की शॉप से ले सकते हो। ये अपना नंबर नहीं शेयर करते हैं तो इसलिए आप ऑनलाइन तो नहीं ख़रीद सकते हो, शॉप पर आपको विज़िट करना ही पड़ेगा। कलाकार स्ट्रीट पर ही है, आपको दूर से ही दिख जाएंगे गाउन्स वगैरह टंगे हुए। और इनकी शॉप के जस्ट बगल में ही जो मैं आपको राजस्थानी गढ़चोला साड़ीज़ दिखाती हूँ वो वाली शॉप लगती है, लेकिन वो खुलती है थोड़ी सी लेट साड़ियों वाली, ये भैया जल्दी खोल लेते हैं 8:15 तक ये अपनी शॉप को ओपन कर लेते हैं। तो ये जितने भी आज मैं आपको गज़ब कलेक्शन दिखा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में भैया ने सेल लगा रखा था। और इसमें एक बिल्कुल हटके चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये बादामी रंग का फ्लोर लेंथ का, क्या कहेंगे आप इसे, सूट कह लीजिए गाउन कह लीजिए, हैंडवर्क है इसके पूरे नेक पर, और कुछ चंदेरी जैसा फैब्रिक लग रहा था पर बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही ज़्यादा सोबर है। स्लीव्स पर भी सेम काम आएगा, और इसका जो घेरा है जो दामन है उस पर भी सेम वर्क था, और सेम ही इसका प्राइस है। लाइनिंग वगैरह सब कुछ अंदर था XXL तक के साइज़ में, ठीक है। तो ये वाले भैया की शॉप है जो मैंने अभी आपको दिखाई, और ये है कलाकार वाली गली, इसी गली में आपको आकर ये सारी शॉप्स मिलेंगी। कलाकार वाली गली जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर गुप्ता भाई फुटवेयर वाले हैं, और आज तो इनका भी कलेक्शन बड़ा जानदार था। आज मार्केट में फुटवेयर बहुत ही अच्छे आए हुए थे, आप आज के ब्लॉग में और कल के ब्लॉग में भी देखोगे, काफ़ी हटके थे सारे। अभी आपको आगे नरेश भैया के फुटवेयर भी दिखाऊँगी। तो ये देख रहे हैं आप, स्नीकर टाइप का लग रहा है, ये शूज़ जैसा भी दिख रहा है, तो ये आज भैया लेकर आए हुए थे इसी प्राइस रेंज में, और ये फिक्स्ड होते हैं, इसमें ये लोग बार्गेनिंग नहीं करते। पीछे जो आप देख रहे हैं इसमें भी आपको फैंसी और ऑफिस वेयर के लिए अच्छे फुटवेयर मिल जाएंगे,
तो इसका मैंने अभी आपको जीन्स लुक दिखाया था ब्लू कलर का, इसमें ग्रीन भी है, इसमें येलो भी था, ये सब आपको मिल जाएंगे। इस तरह का कलेक्शन आपको बाकी मार्केट में 400-450 का देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप ये सब ले सकते हो। इनकी शॉप मैंने आपको बताई बिल्कुल कलाकार स्ट्रीट जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर भैया की बिल्कुल कॉर्नर में शॉप है, और इसी शॉप के बगल में साड़ी वाली शॉप मिलेगी जो कि मैं राजस्थानी गढ़चोला साड़ीज़ दिखाती हूँ। गाउन वाले और फुटवेयर वाले भैया की शॉप के बिल्कुल बीच में वो साड़ी वाली शॉप लगती है। आज मुझे 2-3 लोग मिले थे जो वो मार्केट वो शॉप ढूंढ रहे थे, इसलिए मैं आपको क्लियर करते चलूँ। अब गुप्ता भाई की शॉप के बिल्कुल पास में जो सूट की शॉप लगती है वो दानिश भैया की है। तो ये इस तरीके के आज पाकिस्तानी सूट्स लाए हुए थे, प्राइस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, नंबर भी दे दिया है। उस टाइम भैया बस पहुँचे थे, उन्हें शॉप लगाने में थोड़ा टाइम था, इसलिए मैंने आपको कैटलॉग पिक दिखा दिया है, ये आप लेना चाहो तो आ सकते हो। इनके ही बगल में एक और शॉप लगती है, ये भी सूट्स की है, और इनके पास भी आपको कलेक्शन हर बार नया देखने को मिलेगा। तो ये देखिए कलाकार स्ट्रीट ख़त्म हो रही है, सामने आमना कलेक्शन का बोर्ड है, पीछे कॉर्नर में एक और मैं आपको पाकिस्तानी सूट्स वाले भैया की शॉप दिखाती हूँ, बड़ा सा पेड़ आएगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अब ये वाले भैया के सूट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रियान का सूट है आपका फ्यूशिया पिंक कलर का, कंट्रास्ट का इसमें दुपट्टा आएगा, प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसमें भैया ने बताया है 3 डिज़ाइन और 4 कलर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये आपका क्रेप का सूट आएगा, और साथ में इसका जॉर्जेट का दुपट्टा है, ये क्रेप का डिजिटल प्रिंट का सूट है, प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस तरीके की वैरायटी आपको इनके पास आने वाले टाइम में भी मिलती रहेगी। नंबर मैं इनका लेकर आई हूँ, आपको कोई भी बात करनी हो, पूछनी हो, कंफर्म करना हो तो पूछ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन ख़रीदने की सलाह मैं नहीं दूंगी क्योंकि इन पर फ़िलहाल मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है, और भैया ने बोला भी नहीं है ऑनलाइन के लिए। तो आप जब भी कोई ख़रीदारी कीजिएगा मार्केट आके कीजिएगा, ठीक है, ये वाले भैया हैं। अब मैं फाइनली आपको दिखा रही हूँ ये साड़ीज़ वाली शॉप। जब तक मैं यहाँ कलाकार स्ट्रीट पर थी ये नहीं ओपन हुई थी, इस साड़ी शॉप के लिए मुझे स्पेशली दोबारा यहाँ पर चक्कर लगाना पड़ता है। तो आप इनके रखने के तरीके पे मत जाना, ये सब फ्रेश है, पर क्योंकि इंद्रलोक हैं यहाँ पे कपड़ों की कदर नहीं होती, मारे मारे फिरते हैं। आप यही चीज़ें बाकी मार्केट में जाके देख लो तो प्रॉपर डम्मी को पना रखा होगा, फोकस फुल फोकस वाली लाइट्स होंगी, बट यहाँ पे इसी तरीके से मिलता है। आज प्राइस भैया ने 100 रुपीज़ डाउन कर दिया था सरप्राइजिंगली, मुझे भी नहीं पता कैसे, पर अगली बार अगर आपको ये 800 बोले तो इसमें ज़्यादा बुरा मत मानना कि वीडियो में 700 देखा था आप 800 बोल रहे हो। अब ये इन्हीं का अपना हिसाब है, मुझे भी नहीं पता, लास्ट टाइम इन्होंने मुझे 800 बोला था, यहाँ पे भैया ने आज मुझे 700 बताया। तो ये कलर कंट्रास्ट वाली खूबसूरत राजस्थानी साड़ीज़ आप इनसे ले सकते हो, और ये सारी फ्रेश हैं। आपने मेरा उस दिन का ब्लॉग देखा था जिस दिन बारिश हुई थी, तो मैंने आपको ये सारी साड़ीज़ ओपन करके दिखाई थी, आज नहीं करवा पाई हूँ क्योंकि सभी शॉपकीपर जो हैं बिज़ी होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये धागा इसमें लगा हुआ मिलेगा, टक इन किया हुआ होता है सभी साड़ीज़ को, जो कि आप उसका धागा उधेड़ोगे तो साड़ी ओपन हो जाएगी, साड़ी प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगी। इसके अलावा आपको इस तरीके की साड़ी मिलेगी, मुझे इसका फैब्रिक चिनॉन जैसा लग रहा था, तो प्राइस इसका मैंने मेंशन किया हुआ है। इसमें भी आपको अलग अलग पेस्टल शेड्स भैया के पास मिल जाएंगी। ओके, ये भैया जी का कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑनलाइन ये भी नहीं देते हैं। तो ये थी आपकी फुटवेयर की शॉप, और ये बगल में आपकी साड़ियों की शॉप। ओके, अब मैं कलाकार स्ट्रीट पर ही आपको अम्ब्रेला वाले भैया की शॉप दिखा रही हूँ। ये स्टफ़ टॉयज़ भी ला रहे थे, अगर आपको पता होगा, फ़िलहाल ये सिर्फ अम्ब्रेला ला रहे हैं। तो मल्टी कलर वाली आपको पड़ेगी 350 रुपये की, और बाकी जितनी भी आप देख रहे हो यहाँ पे 120 रुपये से लेके 350 रुपये की रेंज में मिलेगी, ठीक है, बड़ों की बच्चों की सबकी रखते हैं। बगल में आपके राजू भैया हैं जो कि एडी ज्वेलरी लाते हैं, और आज तो इनके पास पैर रखने की भी जगह नहीं थी। आगे बढ़ती हूँ, कलाकार स्ट्रीट पर ही एक अंकल जी हैं जो कि इस तरीके के स्लिंग बैग्स रखते हैं, तो सभी का अलग अलग प्राइस रेंज है। अब उन्होंने किस बेस पर किसी को 250 और किसी को 350 बताया, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था। ये जो वाइट आप देख रहे हो ये 150 बताया इन्होंने, ऊपर वाला 150 बताया, फिर कोई 200-250, मुझे समझ नहीं आया, आप देख लेना। तो अब जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ ये है आपके आमना कलेक्शन का बोर्ड, अभी मैंने आपको जहाँ दिखाया येलो वाला उसके पीछे ही लगती है, आप वीडियो बैक करके देख लो, बेशक अभी मैंने आपको दिखाया बड़े से पेड़ के नीचे आमना कलेक्शन येलो बोर्ड लगा हुआ है, तो उसके पीछे ये वाली शॉप लगती है। इनके पास आपको पूरा रेडी टू वेयर सूट्स मिलेगा,
और प्राइस रेंज भी आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी नॉमिनल है। ये भी चेंज होते रहते हैं, कभी 550, कभी 750, कभी 850, कोई बड़ा फैंसी आ गया तो भी 850 का रेट रखते हैं। तो आज इनके पास मोस्टली जो था वो प्योर कॉटन का था, प्योर कॉटन के दुपट्टे के साथ में। इसमें आपको डबल एक्सल तक के साइज़ ईजीली मिल जाएंगे और साथ में मार्जिन भी होता है, लेकिन आप जो भी परचेज़ करना अच्छे से चेक करके ही लेना, क्योंकि यहाँ पर वापस आके रिटर्न कराने का जो पॉलिसी है वो बड़ा टफ होता है, ठीक है। और पैसे वापस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको एक्सचेंज ही करवाना होता है। तो इसलिए जो भी लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। तो ये जितने भी आप ब्यूटीफुल कलर्स और डिज़ाइंस देख रहे हैं ये इन भैया के पास आपको मिलेंगे। तो जो भी आपको पसंद है चेक करके लेना। इसके अलावा जो डिस्प्ले में है यहाँ पर आपको टेबल पे भी अलग अलग रखे हुए मिलेंगे। ये है एक आपका शरारे वाला सूट, बहुत ही फैंसी, ये वाले भैया जी आपको मिलेंगे। और इन्हीं के बिल्कुल पास में ये है आमिर भैया, जिनके पाकिस्तानी सूट्स का कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने बनाया था दरियागंज का। तो आज यहाँ पर ये बिल्कुल एक ट्रायल के लिए इंद्रलोक में ले आते हैं, अदरवाइज़ इनके पास दरियागंज में बहुत एक से बढ़कर एक अच्छे सूट मिलेंगे आपको, पाकिस्तानी ओरिजिनल वाले भी और कॉपी वाले भी। तो ये जो फ़िलहाल आप देख रहे हैं स्क्रीन में, मैंने प्राइस इसका शो किया हुआ है, कैटलॉग पिक भी आपने देख लिया होगा। ये वाले भैया हैं, अभी ये स्माइल करके दिखाएंगे आपको, भैया स्माइल, यस। तो इसके बाद जो भैया ने दिखाया है ये है आपका प्योर कॉटन का चिकनकारी सूट, जो कि पाकिस्तानी में ही है। अब इसमें आपको कोई अलग से पैच नहीं मिल रहा है, पैच वाले भी इनके पास होते हैं पर इसमें पैच जो है वो लगा लगा है। तो जो प्राइस मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है इसमें ये नेगोशिएट कर देंगे और एक सूट भी ये कुरियर कर देते हैं। आप इनके नंबर को सेव कीजिए व्हाट्सएप पे, भैया नए नए सूट्स का कलेक्शन लेटेस्ट अपडेट करते रहते हैं, तो उसमें भी आप ऑर्डर कर सकते हो। साथ में इसका ये नेट का दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक सूट है। तो ये भैया का कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जब भी अगला दरियागंज मेरा चक्कर लगेगा इनका लेटेस्ट कलेक्शन मैं फिर से आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं आ गई हूँ धासु कुर्ती वाले भैया की शॉप पर, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया कलाकार स्ट्रीट जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से राइट मुड़ने पर आएगी। और आज मुझे यहाँ पर सुबह एक मैम मिली थी, भैया की शॉप के आगे खड़े होकर ही पूछ रही थी धासु कुर्ती वाले भैया की शॉप कौन सी है। मैंने कहा मैम धीरे बोलो, ये तो सिर्फ मैं इन्हें बोलती हूँ, इनका कुछ नाम है, हालांकि मुझे सच में आज तक इनका नाम नहीं पता। खैर ये प्योर कॉटन की शॉर्ट कुर्ती है चिकनकारी वाली जो आपने अभी देखी 450 रुपीज़ के प्राइस में, और तीन इसमें अलग अलग कलर्स आपको मिल जाएंगे। ये नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये भी चिकनकारी का सेट है, पीच और वाइट के कंट्रास्ट में। इसके प्लाजो पर भी आपको हैवी काम मिलेगा चिकनकारी का, तो प्राइजेज आपने देख लिए होंगे, भीड़ भी आपने देख लिया है, राइट। तो अब मैं हूँ फाइनली ट्रांसफार्मर के आगे, जो स्कूल की बिल्डिंग है बाहर का एरिया खुला वाला, वहाँ पर मैं हूँ। और ट्रांसफार्मर के बिल्कुल सामने मेरी फेवरेट बेडशीट वाली शॉप लगती है, इनका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया होता है। अब बस एक बार फेस्टिव सीज़न आने दीजिए, जब मैंने फेस्टिव सीज़न में इनकी शॉप का कलेक्शन कवर किया था तब से मुझे इनकी शॉप बहुत पसंद है और उस टाइम मैंने परचेज़ भी की थी। ये जो आप देख रहे हैं ना कठपुतली बनी हुई है, इस तरीके की राजस्थानी प्रिंट आपको बहुत सुंदर सुंदर इनके पास देखने को मिलेंगे। अभी भी इनके पास जो कलेक्शन है बहुत ही अच्छा है। तो 250 रुपीज़ में आपको विद पिलो कवर भी मिल जाएगी और विदाउट पिलो कवर भी मिल जाएगी। सिंगल इनके पास 150-160 रुपये में मिलती है। इन्हीं के जस्ट बगल से गली जाती है जिसे मैं कहती हूँ ट्रांसफार्मर वाली गली, जिसमें शोएब भैया मिलेंगे आपको जो बच्चों के ब्रांडेड कपड़े लाते हैं, नरेश भैया, राहुल भैया जो फुटवेयर लाते हैं वो सब। लेकिन इस गली के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक फैब्रिक की शॉप है, सो आज सोचा मैंने आपको वो भी दिखा दूं। ये नेट का फैब्रिक है, बहुत ही सुंदर, बड़े पन्ने पर, प्राइस मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसके बाद इनके पास आपको बहुत ही वाइड रेंज मिलेगा चिकनकारी के फैब्रिक का। इसमें दोनों तरह के चिकनकारी फैब्रिक हैं, सीक्वेंस वाले भी और बिना सीक्वेंस वाले भी। तो आप इनके कलर डिज़ाइन देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। और आपको ऐसा फैब्रिक अगर 5 मीटर मिल जाए तो आप क्या बनाओगे मुझे कमेंट करके बताना। 5 मीटर के चिकनकारी फैब्रिक से आप क्या बनाना प्रेफर करोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिससे ये फैब्रिक पसंद ना आता हो। और स्पेशली समर्स में कलर्स देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत हैं सारे। अब ये जो पिंक मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाले सीक्वेंस लगे हुए थे, तो जैसा आप चाहते हो वैसा आपको यहाँ मिल जाएगा। और इनकी शॉप के बाहर भी जो सारा आइटम लगता है वो फैब्रिक का ही रहता है, हर तरीके का फैब्रिक भैया रखते हैं, लाइनिंग वगैरह सब कुछ। ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ वेलवेट का लग रहा था विंटर्स के लिहाजा, और अभी जो मैं दिखा रही हूँ ना
ये मुझे देखने में टापटा सिल्क लग रहा था और चंदेरी भी लग रहा था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है बट बहुत ही सुंदर शेडेड फैब्रिक है ये। प्राइस मैंने मेंशन कर दिया है मीटर के हिसाब से। और ये भैया ना आते हैं फरीदाबाद की सेक्टर 1 की मार्केट है कोई बड़ी फेमस वहाँ से, तो अगर आप फरीदाबाद रहते हो या नियर बाय है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। ये भैया जी का कॉन्टैक्ट नंबर है, थर्सडे को ही आपको इंद्रलोक में मिलेंगे। इसी गली में आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको ये नरेश भैया की शॉप मिलेगी। ये ऑनर है इस शॉप के, जो सारा गज़ब का कलेक्शन लाते हैं फुटवेयर का, बेबी फुटवेयर भी और लेडीज़ फुटवेयर भी। तो आज का कलेक्शन देखिएगा आप, आपको सच में मज़ा आ जाएगा। प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 2 अलग अलग प्राइस में आज का सारा कलेक्शन था। हील्स वाले आपको मोस्टली इसी प्राइस में इनके पास मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो रिटेल प्राइस है वो नाना करते भी 700-800 रुपये है, बट यहाँ पर 50% भी क्या, उससे भी कम के प्राइस में आपको ये ब्यूटीफुल कलेक्शन मिल रहा है। और ये बो वाली तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी मुझे, बेबी पिंक कलर की। मुझे वैसे पर्सनली शूज़ पसंद है, मुझे सैंडल्स पहनने की आदत ही नहीं है, मैं बस शूज़ पहनती हूँ कंफर्टेबल। भागना हो तो भाग लो, वॉक करना हो तो वॉक कर लो, कभी सोचना नहीं पड़ता। तो बट इस तरीके का फुटवेयर आप इनसे ले सकते हो। भैया से मैंने शूज़ लिए थे अगर आपको याद हो तो, भैया जब शूज़ लाए थे तब मैंने इनसे शूज़ भी लिए थे। तो अभी वो सारा जो मैंने आपको दिखाया वो हील्स में था, ये जो मैं सारा दिखा रही हूँ ये सारा फ्लैट्स में है। और ये भी बहुत 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 ही जहर है, ब्लैक, जेट ब्लैक है बिल्कुल, बहुत ही सुंदर लग रहा था। किस किस ने आज भैया से परचेजिंग किया है मुझे कमेंट करके बताना। तो वो सब था फैंसी आइटम, और ये है थोड़ा प्रोफेशनल्स वाली बेलीज। अगर आप पसंद करते हो पहनना तो आप ये ले सकते हो या ले सकते थे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम का तो पता नहीं सेम कलेक्शन आएगा या नहीं। ये जितना भी आप देख रहे हो आज ही सब कुछ आया हुआ था, और प्राइस तो यार बहुत ही ज़्यादा मार्वलस है। बस इन्हीं कुछ हरकतों की वजह से मुझे इंद्रलोक बेस्ट लगता है, इसकी कोई टक्कर नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और अगर आपको भी लगता है तो एक कमेंट कर देना छोटा सा, इंद्रलोक मार्केट इज़ बेस्ट। जिनको लगता है, दिल से कह रही हूँ दिल से, जो यहाँ 20-15 सालों से आ रहे हैं, अपनी फेवरेट मार्केट के लिए इतना तो कर ही सकते हो, राइट। तो अभी ये जो मैं दिखा रही हूँ ये सारा बेबीज़ वाला कलेक्शन है, और ये भी आज बहुत ही अच्छा आया हुआ था। गोल्डन वाली आपने देखी कितनी सुंदर थी, इसमें छोटे साइज़ बड़े साइज़ सब कुछ आपको मिलेंगे अगर आप टाइमली जाओगे। अगर आप मार्केट जाओगे ही 12 बजे 1 बजे तो फिर मेरे को मत बोलना कि मुझे कुछ नहीं मिला, टाइमली जाओ। मेरी तरह सुबह 8 बजे पहुँच जाओ, एकदम खाली मार्केट और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, सब शॉपकीपर अपनी शॉप बिल्कुल आपके सामने लगा रहे होते हैं, जो पसंद है लो और बिल्कुल टाइमली आप घर निकल सकते हो। फिर ना चोर का डर होगा, ना भीड़ मिलेगी, ना गर्मी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब इस बार का कलेक्शन था। अगले थर्सडे क्या होगा वो अगले थर्सडे ही आपको मैं दिखाऊंगी, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। मुझे पता है ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत टाइम से वीडियो देख रहे हैं लेकिन आज तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई कैन गारंटी। अब ये मंद मंद मुस्कुराना छोड़ दो, सब्सक्राइब कर लो। और एकलौते तरीके का आज एक भैया शूज़ भी लेकर आए हुए थे, अब ये मुझे नहीं पता गर्ल्स का है बॉयज़ का है, बट अच्छा लग रहा था। सो अभी मैं आ गई हूँ फाइनली गुड्डू भैया के सूट्स की शॉप पर, और आज ये भी हम आपको बड़ा डिटेल से दिखाएंगे क्योंकि भैया जो है एक सूट भी कुरियर कर देते हैं। तो मैंने सोचा आज आपको और थोड़ा डिटेल से दिखाएंगे। कलेक्शन भी इनका बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब ऐसी शॉप ना जो हर हफ्ते नया कलेक्शन लाते हैं उससे दिखता है उनका डिवोशन अपने काम के प्रति। अब ये आपको शायद ही इनके पास कोई सूट ऐसा मिले जो कि रिपीटेडली हो, अदरवाइज़ हर हफ्ते नया माल, हर हफ्ते। तो ये जो आपने देखा गोल्डन कलर का सूट है आपका, ये जाम कॉटन में है, इसमें प्योर कॉटन भी मिलेगा आपको, ग्लेस कॉटन मिलेगा, रियॉन के भी मिलेंगे। मोस्टली इसमें प्योर कॉटन, ग्लेस कॉटन, कैमरे कॉटन है। तो ये वही फिक्स प्राइस रेंज है, किसी में आपको शिफॉन का दुपट्टा मिलेगा, किसी में आपको प्योर कॉटन का मिलेगा। यहाँ क्या हो रहा है यार, माफ़ी चाहती हूँ, बगल में कुछ तोड़फोड़ चल रही है तो आप बस मेरी सुरीली आवाज़ पे ध्यान दो, वो सब अवॉइड करो। तो ये सब थे जो कि आज 450 रुपये की रेंज में है हमेशा की तरह। कलर प्रिंट आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और अभी अंदर जाके ना शॉप में मैं आपको पाकिस्तानी सूट भी दिखाऊंगी इसी प्राइस रेंज में। जो लोग होलसेल में लेना चाहते हैं, बल्क में लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। सो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो आपका चिकनकारी वाला सूट था, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर के शेड में है, प्योर कॉटन का दुपट्टा, कॉटन की बॉटम, और ये है आपका पाकिस्तानी प्रिंटेड सूट पाकिस्तानी लुक्स का। तो ये भी आप इनसे ले सकते हो, अभी आपको ओपन करके भी दिखाएंगे
ये इसके कैटलॉग पिक्स हैं जो आप लगे हुए देख रहे हैं। तो आप देखो, पर्सनल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए लो चाहे आप शॉप के लिए लो, आप हर चीज़ को ओपन करके चेक करके ज़रूर देखना। तो ये मैंने ओपन करवाया है, अभी आपको कैटलॉग पिक मैंने इसका दिखाया। इस तरीके का प्रिंटेड सूट आएगा ये, ठीक है, कॉटन में है, और साथ में इसका जो दुपट्टा है वो आपका शिफॉन में आएगा, और ग्रीन कलर की इसकी सलवार है प्योर कॉटन की। तो ये अलग अलग डिज़ाइन कलर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। गुड्डू भैया की शॉप, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्मर दिखाया, ब्लू कलर का बेडशीट की शॉप दिखाई, उसके बगल में गली जा रही है, उस गली में चलते चलते आपको ये शॉप इजीली मिल जाएगी। और ये बाकी भी जितने मैं दिखा रही हूँ वही सेम प्राइस रेंज है, बट वैरायटी इज़ ह्यूज, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत ही सारी। तो टाइमली पहुँचोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ये भैया का कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है, उनके जस्ट बगल में मिलेंगे आपको शोएब भैया। अच्छा, आप लोग दिल्ली के कोने कोने में रहते हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ जो भैया का ड्रेस कलेक्शन है उस तरीके का आपके पास की किस मार्केट में मिलता है इसी प्राइस रेंज के आसपास, ताकि मैं वहाँ पर जाके कवर कर सकूं, क्योंकि मुझे अभी तक कहीं पर भी नहीं मिला है इंद्रलोक को छोड़ के। और ये भैया और कहीं लगाते भी नहीं है, संडे को कसाबपुरा मार्केट लगाते हैं जो कि सदर बाज़ार में है, बट वहाँ पे थोड़ा सा नॉनवेज का बहुत ज़्यादा काम रहता है, इसलिए मुझे पर्सनली वहाँ जाना पसंद नहीं है। अगर आपको नॉनवेज से प्रॉब्लम नहीं है तो आप कसाबपुरा चले जाना, मैं इनको इंद्रलोक में ही कवर करती हूँ। तो ये जितनी भी आज ब्यूटीफुल ड्रेसेस भैया दिखा रहे हैं प्राइस रेंज में नहीं है, ये सब इस प्राइस के अंडर आपको मिलेंगी। इसमें आपको बार्गेनिंग भी भैया कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बिल्कुल ही फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन बात यह है कि इनके रिटेल प्राइस आप देखोगे, इनके टैग जो इन पर ही लगे होते हैं उसमें 2000 प्लस की ड्रेसेज हैं ये सारी, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल प्राइस में आप भैया से ले सकते हो। नीचे जो आप ये टॉप्स और ड्रेसेस देखेंगे ये सब 200 रुपये वाली रेंज में है। बेबी गर्ल्स के टॉप्स आज मोस्टली भैया ने लगाए हुए थे सेल में, जो कि 200 रुपये की फिक्स सेल है। और मैंने भैया से आज बॉयज़ का भी कुछ कलेक्शन दिखाने को बोला, आज मैंने बड़ी तसल्ली से वीडियो बनाया, पता नहीं कैसे। तो इसका MRP आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके, बट यहाँ पे आपको भैया के पास ये सब कुछ जो जीन्स है बॉयज़ की अंडर 500 रुपीज़ मिलेगी। हाँ जी, 500 रुपये के अंदर अंदर ये बॉयज़ की जीन्स मिलेगी। और साइज़ की बात मैं करूँ तो 1 ईयर से लेके 12-13 साल तक के बॉय की यहाँ पर जीन्स आपको इस प्राइस रेंज के अंडर मिल जाएगी। और ये सारी ब्रांडेड हैं, सारी ओरिजिनल हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसका प्राइस टैग देख सकते हैं, और चाहे तो आप इस पर्टिकुलर ब्रांड को गूगल भी कर सकते हैं। ऊपर अभी मैं आपको इनकी शर्ट्स और टी शर्ट्स दिखाऊँगी, और ये भी सारी ब्रांडेड हैं, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल फैब्रिक में, मतलब गर्ल्स की फ्रॉक भी इतनी सॉफ्ट नहीं होती जितनी बॉयज़ की शर्ट है। प्राइस रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इस प्राइस रेंज में आपको बॉयज़ की शर्ट और टी शर्ट्स मिल जाएंगी। ये जो आप देख रहे हैं ये 0 साइज़ के हैं, भैया ने दिखाए हैं, ये भी इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। अपनी बेबी का फर्स्ट बर्थडे अगर आप सेलिब्रेट करने वाले हो तो इनसे आप एक अच्छा ब्यूटीफुल फ्रॉक बहुत ही कम बजट में ले सकते हो। देखिए कितनी कूल ड्रेसेस हैं सारी वेस्टर्न में, भैया एथनिक भी रखते हैं पर वो थोड़ा फेस्टिव सीजन जब पीक पर होता है तब आता है। फिलहाल आपको इस तरीके का सारा कलेक्शन शोएब भैया के पास मिल जाएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है इस तरीके का कलेक्शन इसी प्राइस रेंज में और दिल्ली में कहाँ मिल सकता है। शॉप पता है तो शॉप बताओ, मार्केट पता है तो मार्केट बताओ, और रिटेल ही होना चाहिए, मैं होलसेल कवर ही नहीं करती आपको पता है। तो ये एक भैया ने और बॉयज़ की टी शर्ट दिखाई थी, 1500 रुपये का MRP है यार, बताओ। हुडी वाला टी शर्ट है ये, बहुत ही अच्छा फैब्रिक था इसका, प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा। और ये भैया कहते हैं कि मैं ऑनलाइन दे देता हूँ, बट मुझे आज तक किसी का भी कोई फीडबैक आया नहीं है किसी ने यहाँ ऑनलाइन मंगवाया हो तो। आपका मन करे तो आप ट्राई कर लेना, बाकी आपकी किस्मत, अगर भैया फ़ोन उठा के आपको रिस्पॉन्स कर दे। नंबर तो मैं हमेशा शेयर करती ही हूँ, बाकी आप देख लेना, ओके। तो ये है भैया का, शोएब भैया का कॉन्टैक्ट नंबर, जो गली में आपको दिखाती आ रही हूँ फैब्रिक वाली शॉप से लेकर वहीं पर ये भैया मिलेंगे। इनकी शॉप के जस्ट सामने आपको न्यूबॉर्न बेबीज़ के और 0 साइज़ के कपड़े देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे कपड़े हैं, छोटा सा सेल प्राइस है, 60 रुपये में आप यहाँ से ये क्यूट क्यूट कपड़े ले सकते हो अपने हाथ के साइज़ के बराबर के। और 60 रुपये में तो पता नहीं मतलब कितने ही ढेर लग जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों का साइज़ आपको पता है ग्रो करते हैं, तो फिर छोटे कपड़े छोटे ही होते चले जाते हैं और बच्चे बड़े ही होते चले जाते हैं। तो ऐसे में आप जितना सस्ता सुंदर और टिकाऊ फैब्रिक लो उतना अच्छा है। ये देखिए
ये मॉल वगैरह में आपको 300-400 से नीचे के नहीं मिलेंगे, ये मॉल वाला क्वालिटी है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ ये गांधीनगर मैन्युफैक्चरिंग वाले नहीं हैं, ये इम्पोर्टेड क्वालिटी के होते हैं सारे। ऊपर भी आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको सेट वाइज मिलेंगे ये सारे बाबा सूट्स हैं, इसमें नाइट सूट्स हैं जितने भी आप देख रहे हो, तो ये सब इन भैया के पास मिलेंगे। और इनकी जो शॉप है बिल्कुल कॉर्नर में लगती है, ये गली यहाँ पर हो गई है ख़त्म, और इस गली के सामने ये हारून भैया खड़े हैं, इस गली के बिल्कुल सामने हारून भैया की शॉप लगती है सूट्स की। सो ये इकलौते भैया हैं जो आपको बहुत ही 200% या 500% विश्वास के साथ में आपका सूट आपके घर तक कुरियर करवाएंगे, ठीक है। तो इन पर ट्रस्ट मुझे इसलिए क्योंकि बहुत सालों से ऑनलाइन में काम कर रहे हैं। अगर आपको एक सिंगल सूट भी लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये जो आपने देखा है ये ग्लेस कॉटन का है, स्टिच्ड सूट है ये, इसका इस तरीके का दामन आएगा। प्राइस मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, इसमें नेगोशिएट नहीं करेंगे भैया, ठीक है। स्टार्टिंग में भी जो मैंने आपको दिखाया वो 750 का था मसलिन का। सामने आप ये जो देख रहे हैं ये सारे प्योर कॉटन के सूट्स हैं, प्योर कॉटन का सूट, प्योर कॉटन का दुपट्टा, और किसी किसी में कॉटन, किसी किसी में शायद शैंटून की बॉटम आएगी, वैसे मोस्टली में कॉटन ही है। तो ये आपको मिल जाएंगे मात्र 500 रुपये की प्राइस में। घुंघरू के साथ ये मोती वाला जो सेट है बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक और जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी मसलिन का सूट है, इसका प्रिंटेड सूट और प्रिंटेड ही दुपट्टा आएगा मसलिन का, और आएगी शैंटून की बॉटम, ठीक है। प्राइस मैंने यहाँ पे बता दिया है। सो ये वाला सबसे पहले ही डिस्प्ले में लगा हुआ था डिजिटल प्रिंट का सूट, ये भी मसलिन का है, साथ में मसलिन का ही डिजिटल प्रिंट का दुपट्टा मिलेगा। और आपको अगर इतना बजट नहीं है तो नीचे इस तरीके के आपको प्योर कॉटन के 350 के सूट भी मिल जाएंगे, लेकिन ये वाले सूट जो हैं ये भैया कुरियर नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ओके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।